सो लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है मुझको पहली बार देख रहे हूँ हो सकता है बहुत सारे लोग मुझको पहली बार सुन रहे हूँ और मेरा नाम सोनू शर्मा है और बेसिकली मैं फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ आई बिलोंग टू फरीदाबाद और आई एम इन टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट ट्वेंटी ईयर्स करीब करीब बीस साल से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डी ए वी कॉलेज फरीदाबाद इन नाइनटीन नाइनटी एट 1998 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद के डी कॉलेज से उसके बाद मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन किया अपने ही घर के अंदर जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था तो तीन साढ़े तीन साल मैंने स्टूडेंट्स को कोचिंग दिया और फिर अचानक जिंदगी में एक मोड आया जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मेरी जिंदगी में आई और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी में बाय चॉइस नहीं आती बाय चांस आती है तो मेरी जिंदगी में भी नेट मार्केटिंग बाय चांस आई आज इस बात को 20 साल हो गए हैं और इस 20 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा बहुत जिंदगी अगर मैं कहूं तो 180 डिग्री पे घूम गई तो गलत नहीं होगा बींग क्लास फैमिली टू अरेट ट्रेनर इट्स अ लॉन्ग जर्नी लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स सो बहुत कुछ सीखने को मिला इस 20 साल के दौरान और आज हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग सिटीज में लाइव प्रोग्राम मैंने हजारों प्रोग्राम किए पिछले कुछ सालों के अंदर वो प्रोग्राम किए जहाँ पर दो लोग बैठते हैं और वो प्रोग्राम भी किए जहाँ बीस हजार लोगों का लाइव ऑडियंस मेरे सामने था सो इट्स अ लॉन्ग शॉट क्या हुआ बीस साल में क्या क्या सीखा क्या क्या सीखने को मिला क्या उतार चढ़ाव आए जिंदगी में वो यात्रा भी की जो बस में की जाती है जो लोकल ट्रेन में की जाती है और जहा विदाउट ए सी टिकट होता है नॉर्मल रिजर्वेशन में यात्रा करी टेम्पो ट्रेवलर में यात्रा की टाटा चार सौ सात में यात्रा की लिफ्ट मांग के यात्रा की और वो दिन भी आए जब बिजनेस क्लास में यात्रा की मर्सिडीज अपनी ली आज से बारह 13 साल पहले तो बहुत कुछ बदला पिछले बीस साल के सो so, आज मैं आपको अपने बीस साल का एक छोटा सा नॉलेज एक पुड़िया के रूप में अगले फोर्टी फाइव मिनट्स में देने का पूरा प्रयास करूंगा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अगले 45 मिनट्स अटेंटिव होकर मुझे सुनिए ज़रूर मैं आपके सामने नहीं हूं आपकी स्क्रीन पे ज़रूर हूं जरूर इस डिजिटल वर्ल्ड में अब सामने बहुत रेयर ही होने वाला है अगले एक डेढ़ साल स्क्रीन ही हम दोनों का साथी है आप ऐसा ही समझिए कि मैं आपके साथ आपके सोफा पे बैठ के आपको ये डिस्कशन कर रहा हूँ आप ऐसा ही बैठिए कि मैं आपके साथ वाली कुर्सी पर बैठ के आपसे इस बिजनेस के बात, बारे में बात कर रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसा ही फील करिए कि आप और मैं एक ही रूम में हैं और आज आपकी जिंदगी के बारे में हम अगले 45 मिनट कुछ चर्चा करना चाहते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एम गोइंग टू स्टार्ट दस दायनामिक प्रेजेंटेशन विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू ऑल सबसे पहले आगे लेके चलता हूं

आपके साथ शेयर करूंगा अगले 45 मिनट्स साथ ही दीजिएगा थोड़ा फास्ट चलूंगा स्पीड अप करिए और इस 20 साल के दौरान बहुत सारे रिवॉर्ड्स रिकोगश मेरे नसीब में आए बहुत कुछ सीखने को मिला दो बुक्स मैं लिख चुका हूं और उस दो बुक्स के अंदर मुझे अभी भी अच्छे या, अच्छे से याद है जब हम पहला अपना बुक लॉन्च कर रहे थे तो मैंने सोचा यार कौन मेरा बुक खरीदेगा कौन पढ़ेगा यार लेकिन वी सोल्ड आउट अप्रोक्स मोर देन वन लाख कॉपीज अमेजोन पे और फिर हमने दूसरा बुक लॉन्च किया मैंने सोचा था कौन पढ़ेगा करीब करीब सवा लाख से ज्यादा प्रिंट हमने उसके सेल किए सो so, दो से बुक्स मेरे लोगों के घरों में है मुझे बहुत खुशी है थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड रिगार्ड सो लेट मी टेक यू टू आई यूट्यूब चैनल कॉल सोनू शर्मा आप सब लोगों ने सब्सक्राइब किया ही होगा नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा करीब करीब सवा तीन मिलियन सब्सक्राइबर करीब करीब चौंतीस पैंतीस लाख लोग मुझको सुनते हैं बहुत खुशी है मुझे और जो व्यूअरशिप है वो मेरी इमेजिनेशन से कहीं बाहर है वो मेरे सोच से मेरे ख़्वाब ख्याल से बाहर है करीब करीब फोर हंड्रेड मिलियन चार सौ मिलियन से ज़्यादा का व्यूअरशिप है सोशल मीडिया के ऊपर खैर ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ हो जाए कि मैंने बीस साल में क्या क्या किया है पापड़ बेले हैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ अब एक दुखद खबर के साथ मैं सेशन को शुरू करता हूं CNBC का एक रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस जॉब लॉसेस को टोटल 47 मिलियन और ये रिपोर्ट थोड़ा सा पुराना है ये मार्च 30 का रिपोर्ट है कि सैतालीस मिलियन नौकरियां जा चुकी हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हिट 32 परसेंट अब मुझे नहीं पता आपको थर्टी टू परसेंट का मतलब क्या पता है लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि स्थिति सर्विस क्लास के लिए बहुत अच्छी नहीं है कोई ये बातें ये उत्साहवर्धक नहीं है कि आपका एक रूटीन लाइफ चल रहा है आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं अचानक आपको कहा जाता है आपकी ज़रूरत नहीं है जो तन लागे सो तन जाने जिस बीतती है ये वही समझ सकता है हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कुदरत अगर एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा दरवाजा खोल देती है तो हो सकता है आज वो दूसरा दरवाजा मैं आपके बिल्कुल सामने लेके आ जाऊं बस आपको सिर्फ आंख उठा के देखना है क्योंकि कभी कभी हम बंद दरवाजे की तरफ इतने व्यस्त होते हैं कि खुले दरवाजे की तरफ आंख ही नहीं जाती एमओ इंडिया का ट्वीट में पढ़ रहा था द नीड ऑफ द आर इज टू थिंक ऑफ बिजनेस मॉडल मॉडल की हमको जरूरत है इजिली अडोप्टेबल हो आज की डेट के अंदर तो जो बिजनेस मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल उसी दिशा में एक सबसे बड़ा प्रयास है सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू डी यू हैव एनी ड्रीम्स क्या आपके पास सपने हैं क्या आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि एक रिच लाइफ स्टाइल हो क्या आप चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ें क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना खुद का घर हो क्योंकि बहुत सारे लोग रेंटेड प्रॉपर्टी पर रहते होंगे क्या आप चाहते हैं कि आप ई मुक्त जीवन बिता सकें अगर आपका जवाब इन सब का हाँ है करीब करीब तो आपका स्वागत है आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं धन्यवाद दीजिएगा उस आदमी को जो आपको लेके आया है वेलकम टू दिस लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन आज मैं आपको दुनिया के सबसे महान बिजनेस मॉडल के बारे में बताना जा रहा हूं जहां आम लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल दिया आम लोगों के बिजनेस है आम लोगों ने यहाँ पर खास काम किया है और आम लोग यहाँ पर खास बन गए हैं ये मेरे कुछ चुनिंदा लीडर्स हैं जो बहुत मेहनती हैं बहुत जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बहुत सारे लोगों का फोटोग्राफ इसमें नहीं है ऐसा मतलब इसका मतलब वो नहीं है कि वो चुनिंदा नहीं है मौके पे वो मौजूद नहीं थे इसलिए उनका फोटोग्राफ नहीं है सो so, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ वो लोग हैं जो बीस साल के हैं और मेरे साथ वो लोग भी हैं जो सत्तर बहत्तर पचहत्तर साल की उम्र के हैं और हर फील्ड का व्यक्ति है ज्यादातर जो संख्या है वो यंगस्टर की है तो हिंदुस्तान सबसे यंग मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर तो आज हम सब लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आइए शेख अवर हैंड्स हमारा हाथ पकड़िए हम आपको एक बहुत बेहतर दुनिया में ले जा सकते हैं और वो दुनिया है क्या ये बिजनेस सबसे पहले तो आपसे कुछ नहीं मांगता ना एज ना क्वालिफिकेशन ना, ना कास्ट ना कलर ना इन्वेस्टमेंट ना एक्सपीरियंस इन छह में से किसी भी चीज का जरूरत नहीं है आपको इस बिजनेस को करने के लिए सबसे अच्छी बात है तो जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ वो है नेटवर्क मार्केटिंग का जिस इंडस्ट्री से मैं करीब करीब बीस साल से वाकिफ हूँ ये शब्द मैं जानता हूं कि आपने अपने कानों में बहुत बार सुना होगा ये शब्द मैं जानता हूं कि आपके आंखों के सामने से बहुत बार गुजरा भी होगा <décidé ook> मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोग एक शब्द से नफरत भी करते होंगे मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोगों का बिटर एक्सपीरियंस भी रहा होगा बावजूद इसके मैं ये जानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है बावजूद इसके मैं जानता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को करोड़पति और अरबपति बनाने वाला ये शब्द है बावजूद इसके मैं ये जानता हूं कि इस शब्द ने एक आम आदमी की जिंदगी में उजाला भर दिया है बिटर एक्सपीरियंस गलतियों की वजह से है बिटर एक्सपीरियंस गलत संगत की वजह से है मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि मोटा आदमी से कभी पतला होने की सलाह नहीं मांगनी चाहिए और अमूमाता हम ये गलती करते हैं कि हम पतला होने की सलाह उससे मांगने जाते हैं जो जिंदगी में खुद मोटा है और इसको दूसरी भाषा में बताऊं तो डिवोर्सी से कभी शादी करने की सलाह नहीं मांगनी चाहिए अब आप सोचिए कल्पना करिए कि जिस आदमी का खुदा ना खास था अभी अभी डिवोर्स हुआ हो दो दिन पहले और आप उसके पास चले जाएं सलाह मांगने कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ तो आप मुझे क्या सलाह देंगे तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको क्या सलाह मिलेगी यही हालत इस इंडस्ट्री की है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह आप उस मांग उस व्यक्ति से मांगने चले जाते हैं कभी कभी जो फेल हुआ है और फेल वो अपने कारण से हुआ है अब दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में लोग अपनी गलती नहीं बताते मैं आपको नेटो मार्केटिंग का एक दूसरा रूप दिखाना चाहता हूं आपके पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको आज नेटो मार्केटिंग की नॉलेज देना चाहता हूं साथियों अगले 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के अंदर एक नए दृष्टिकोण से एक नए नजरिए से आज इस शब्द को सीखिए पहचानिए समझिए मैं दावा दे सकता हूँ कि आधे घंटे के बाद आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल जाएगा नेट मार्केटिंग का ग्लोबल सेल 2017 में 190 बिलियन डॉलर था जो इंडस्ट्री आज से चार साल पहले 190 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी आप उसको छोटा कैसे समझ सकते हैं जो इंडस्ट्री रेगुलर ग्रोइंग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाता है पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाती है लेकिन एकमात्र इंडस्ट्री जो आज भी ग्रोइंग स्टेज पर है 2009 में 117 बिलियन से लेकर आज 2017 में 190 बिलियन और आज 2020 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये दो बिलियन डॉलर से ऊपर का इंडस्ट्री है अब दो बिलियन डॉलर कितना होता है आप गणित लगाते रहिएगा आराम से कहने का मतलब यह है कि ग्लोबली ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करती, करती है और दुनिया में बहुत सारे लोगों को, पती, पती, पती बनाने का अगर किसी को जाता है और आम आदमी अगर किसी से में बहुत सफल हुआ है तो नेटवर्क मार्केटिंग उसमें से एक है वन ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस इंडस्ट्री ने किया था दो से लेकर दो तक मात्र आठ साल के अंदर जो इंडस्ट्री 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो बड़े बड़े मुल्कों की शायद इकोनमी है जीडीपी है उससे भी कहीं ज्यादा है ये इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको समझ नहीं आया तो गलती इंडस्ट्री की कहाँ है मेरे दोस्त गलती इंडस्ट्री की नहीं है गलती समझने की है और कभी कभी समझाने वाले की भी होती है कभी कभी एक बहुत सही बात किसी गलत मुंह से हम सुनते हैं तो उसका मायना अलग होता है मैं फिर रिपीट करता हूं कभी कभी एक बहुत सही बात किसी गलत आदमी से सुनते हैं तो उसका मायना बिल्कुल अलग हो जाता है सही बात को कहने के लिए आदमी भी सही चाहिए नहीं तो बात का मतलब ही बदल जाता है सो so आज आप उस व्यक्ति को सुन रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में 20 साल से हैं और 20 साल में बहुत अच्छा काम किया है तो आज आपको हो सकता है प्योर जानकारी मिले परफेक्ट नॉलेज मिले जो आपकी लाइफ में इन्हांस कर सके आपकी जिंदगी को आपकी जिंदगी को बेटर बना सके पूरे दुनिया के अंदर 2017 के अंत तक करीब करीब 117 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर थे जो मेरी ही तरह आप ही की तरह अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर लगा रखे थे जो बिजनेस कर रहे थे पैसा कमा रहे थे आगे बढ़ रहे थे ग्रो कर रहे थे दो रिपोर्ट का जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि मैं बिजनेस बताने से पहले मॉडल बताने से पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में जो भ्रम है वो दूर करना चाहता हूं और कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको अलग जगानी ही होगी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो झाड़ू हाथ में लेके निकलेगा यार सफाई करने के लिए। कि जो दिमाग में गंदगी लोगों के भरी हुई है इस को के, वो दूर करने की जिम्मेदारी तो 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 बहुत सारे साथी उठा रखे हैं सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर उठाया आज से तीन साल पहले के और फिक्की ने जी हाँ जो दोनों हम आप सुन रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिगार्ड वाले नाम में से एक है पी दुनिया की टॉप पांच ऑडिट कंपनीज में से एक है और फिक की गवर्निंग बॉडी है भारत सरकार में जो कॉमर्स एंड ट्रेड बिजनेस को जितने भी बिजनेस उनको मॉनिटर करने वाली एक संस्था है राइट तो आज से साल पहले इन दोनों ने 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 और KPMG ने सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट किया ये रिपोर्ट आप गूगल से निकाल सकते हैं साठ सत्तर पेजेस का एक रिपोर्ट है क्योंकि सरकार को यह रिपोर्ट सबमिट किया क्या कि सरकार में अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था उनके भी सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी तो नॉलेज दी दीट मार्केटिंग बेसिकली क्या है सरकार क्या समझती है लेडीज एंड जेंटलमैन जो इंडस्ट्री 100 साल पुरानी है मेरी और मेरे पिताजी की भी उम्र से ज्यादा बड़ी है तो उस इंडस्ट्री को क्यों नहीं समझना चाहिए बताया गया कि पर्सन टू पर्सन सेलिंग इज द डोमिनेट फॉर्म एक आदमी से दूसरे आदमी को माल बेचना दुनिया का सबसे बड़ा और आसान तरीका है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले दो तीन साल के अंदर आपको बड़े से बड़ा ब्रांड इस मॉडल के अंदर काम करता हुआ मिलेगा मैं आपको बता दूं, आने के एक से दो साल के बाद बड़े बड़े बिजनेस टाइकून अपने प्रोडक्ट को मूव कराने के लिए इस बिजनेस मॉडल का सहारा लेंगे पर्सन टू पर्सन सेलिंग जहाँ शोरूम का जरूरत नहीं होता जहाँ एडवर्टिजमेंट का जरूरत नहीं होता जहाँ ओवर नहीं होते होलसेलर नहीं होते रिटेलर्स नहीं होते बीच के मिडलमैन गायब होते हैं माल सीधा फैक्ट्री में बनता है और कस्टमर के हाथ में पहुंचता है अगर आप सोचिए माल फैक्ट्री में बने और कस्टमर के हाथ में पहुंचे तो कितना बीच का पैसा सेव होता है जो पैसा खान साहब ले जाते हैं शाहरुख खान साहब विद ऑल द रिस्पेक्ट जो पैसा ले जाते हैं प्रीति जिंटा जो पैसा ले जाती है ऐश्वर्या राय विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू ऑल दिस सेलिब्रिटीज ये पैसा बचेगा जो होर्डिंग पे पैसा लगता है जो टीवी में एडवर्टीजमेंट का पैसा लगता है जो होलसेलर के पैसे होते हैं जो रिटेलर के पैसे होते हैं यानी हम रहीसों को और रहीस बनाने में अपना पैसा लगा रहे हैं एक प्रोडक्ट जो दस रुपए का है हमारे तक आते आते वो बीस या बाईस या पच्चीस या पचास रुपए का हो जाता है ये तीस चालीस रुपए अगर बचाए जा सके और हम जैसे और आप जैसे लोगों के अंदर ही बांटा जाए दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल लेडीज एंड जेंटलमैन ये बहुत पुराना मॉडल है सौ साल पुराना ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ और इस रिपोर्ट में खास तौर पे कहा गया कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम्स ये ध्यान से पढ़िए ध्यान से सुनिए डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम कभी कभी लोग एक ही चश्मे से दोनों चीजें देखते हैं कभी कभी लोग एक ही चश्मे से दोनों चीजें देखते हैं साफ साफ लिखा है एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन एम एल कंपनसेशन प्लान टू जनरेट सेल्स बाय कॉन्स्टेंट इंटरक्शन सबसे मुख्य बिंदु मुझे नजर आया वो तीन साल पहले भारत सरकार को जब रिपोर्ट सबमिट करी गई तो हिंदुस्तान की एक कंपनी के बारे में इन्होंने प्रिडिक्ट किया हिंदुस्तान की एक कंपनी के बारे में भविष्यवाणी की गई कि यह कंपनी आगे चल के हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी हो सकती है प्रोडक्शन था कि दुनिया के जो टॉप हंड्रेड कंपनीज हैं उसके अंदर अगर कोई नाम बना सकता है कोई पहचान बना सकता है तो हो सकता है ये कंपनी हो इस कंपनी के बारे में जानकारी दी गई ये कंपनी कौन कौन से सोशल कॉज करती है उसके बारे में जानकारी दी गई कंपनी की डिटेल बताई गई पूरे हिंदुस्तान में हजारों नेटो मार्केटिंग कंपनीज होगी लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक ही कंपनी ने अपनी जगह बनाई जिसका नाम है वेस्टिज जिसके बारे में आज मैं आपसे बताने वाला हूँ जी हाँ तीन साल पहले किया गया प्रोडक्शन 2020 में सार्थक हुआ 2020 में सच साबित हुआ जब वेस्टिज अनडाउटफुली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन गई विद विदर्न ओवर ऑफ टू करोड़ पच्चीस सौ करोड़ के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनी और ग्लोबल हंड्रेड में तीसवां रैंक हासिल किया भारतीय लोगों के लिए भारतीय नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए प्राउड की बात हो सकती है आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आते हो आप मार्केटिंग की किसी और कंपनी में भी रहते हो तब भी हमको प्राउड होना चाहिए कि टॉप में नहीं टॉप थर्टी में, में ग्लोबली अगर कोई कंपनी भारत को रिप्रेजेंट कर रही है तो वेस्टिज है जय हिंद बोलना चाहिए हम सबको कि भारत की एक कंपनी भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स को लेकर आज दुनिया के मानचित्र पे छा गई हम सबको प्राउड होना चाहिए और आज मुझे खुशी है कि मैं आज आपको उसी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं इकोनॉमिक टाइम का एक रिपोर्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चौसठ करोड़ की होगी दो में आज पूरी दुनिया और खास तौर पे हिंदुस्तान में जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं और जितने बड़े बिग हाउसेस हैं जितने कॉर्पोरेट ऑफिस हैं आज वो एक इंडस्ट्री के बाद सारे लोग कर रहे हैं और वो है डायरेक्ट सेलिंग पर्सन टू पर्सन एक आदमी से दूसरे आदमी को सामान बेचना इस कॉल डायरेक्ट सेलिंग सब एक ही बारे में बात कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक के अंदर इस कोविड नाइनटीन के इश्यू के लेकर अगर कोई इंडस्ट्री भारत की इकोनॉमी में कुछ पार्टिसिपेट कर सकती है रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है पैंसठ करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में अभी दस करोड़ की है आज दस हजार करोड़ की है जो कि चौसठ हजार पांच सौ करोड़ का प्रिडिक्शन है और मेरी उम्मीद यह है कि इससे कहीं आगे जाएगा चलते हुए पानी में हमेशा नाव चलानी चाहिए थकावट कम होती है आप जल्दी पहुंचते हैं जी हां ग्रोइंग इंडस्ट्री हर इंडस्ट्री का एक टाइम आता है कभी टाइम था ऑटोमोबाइल का कभी टाइम था कपड़ा व्यापार का कभी टाइम था एक और इंडस्ट्री का प्लास्टिक इंडस्ट्री का टाइम था एक दिन हर इंडस्ट्री की जिंदगी में 10-15 सुनहरे गोल्डन पीरियड आते हैं और कुछ समझदार लोग उस 10-15 साल में वो कर जाते हैं जो 200 साल में नहीं किया जाता बिलीव माई वर्ड्स टेक माई वर्ड्स नेक्स्ट फाइव ईयर आर गोइंग टू द बिगेस्ट ऑफ एवरी वन लाइफ हु आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग और अगर आप एक अच्छी कंपनी का साथ आपको मिल जाता है तो स्काई इज द लिमिट लेडीज एंड जेंटलमैन पैंसठ हजार करोड़ में दस हजार करोड़ में आज हम ढाई हजार करोड़ करते हैं यानी करीब करीब पच्चीस परसेंट मार्केट शेयर है हमारा पैंसठ हजार करोड़ का पच्चीस परसेंट हो गया मोटा मोटा पंद्रह से सोलह हजार करोड़ जो कि हमारा टारगेट भी है बीस हजार करोड़ टच करने का तो अगर आज ढाई हजार करोड़ में लोगों के पास ये ट्रस्टीमोनिय हैं तो बीस करोड़ में कहानी कितनी बड़ी पहुंचेगी आप सोच सकते हैं तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप सबका और मेरा फोर्थ टाइम हम लोग टॉप हंड्रेड में जगह बना पाए ग्लोबली हम सबको सैल्यूट करना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को और प्राउड फील करना चाहिए कि हम उस कंपनी के बारे में जान रहे हैं जो ग्लोबल हंड्रेड में तीसवे रैंक पर आती है मैं आपको कुछ भी इस कंपनी के बारे में बताऊं सबसे पहले मैं आपको एक डिजिटल कंपनी के ऑफिस ले चलू क्योंकि अभी यही एक रास्ता है मुझे आपको ऑफिस दिखाने का अगर पर्सनली मौका मिलता तो जरूर दिखाता लेकिन कभी ना कभी जरूर दिखाऊंगा आपको हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है प्राइम प्रॉपर्टी इन दिल्ली ओखला साढ़े पांच सौ से छह सौ लोगों का डेडिकेटेड स्टाफ इस ऑफिस में बैठ के सारा कुछ मैनेज करता है, कि जो है ये जो हेड क्वार्टर है एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग का मक्का बोलूंगा तो गलत नहीं होगा क्योंकि यहां से पूरी हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग को एक वाइब्स जाती है यहां से पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भूचाल अगर आता है तो उसका ओरिजिन ये होता है मतलब अर्थक्वेक का कोई ना कोई ओरिजिन होता है ना तो नेटवर्क मार्केटिंग का भूचाल इस ओरिजिन से शुरू होता है ऐसा मुझे लगता है। शो अ ग्रेट मेंटर अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड बहुत अच्छे मित्र भी हैं आज के डेट में बहुत अच्छे मेंटर भी हैं कल भी करीब करीब डेढ़ से दो घंटा हम लोग रात को जूम कॉन्फ्रेंस पे थे सर अभी Uh, हिमाचल में अपने फार्म हाउस पे थे कल रात को मेरा उनसे बात हुआ काफी देर तक फैक्ट्री विजिट करने गए होते एक नया फैक्ट्री खोला है तो उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने गए थे द मैन बिहाइंड ऑल द शो जिन्होंने हेनेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में एक्चुअली हिंदुस्तान में तो बदल दिया है ग्लोबल रैंकिंग 30 टर्नओवर 2500 करोड़ 56 ऑफिस इन इंडिया लेडीज एंड जेंटलमैन 56 Own offices in in India, operating in seven countries, 2, branches, के कारण ले चुके हैं आठ हजार से ऊपर गाड़िया जा चुकी हैं, और लास्ट ईयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड करोड़ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है ऑफिस दुबई नेपाल बांग्लादेश थाईलैंड साढ़े से ऊपर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इस व्यक्ति की सोच के कारण नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदल चुका है सर और बहुत खुशी है मुझे बताते हुए कि मिस्टर बाली को चेयरमैन बनाया गया है एसओचेम का एसओचेम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड की एक रिस्पेक्टेड रिप्यूटेड फॉर्म है जो भारत सरकार के साथ मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं साढ़े लाख मेंबर हैं इसके और गौतम बाली सर को सबसे प्रमुख मुखिया बनाया गया बिकॉज ऑफ हिज विजन थॉट प्रोसेस द वे ही लीड द वे जो एक्सपर्टीज हैं बाली साहब के पास तो प्राउड है हम सबको कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर आज एसओम के चेयरमैन भी हैं सो प्रोडक्ट कैटेगरी सो आर द कैटेगरीज जिसमें हम लोग बिलीव करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स वाटर प्यिफिकेशन वाटर एयर आयुर्वेदा हेल्थ फूड आप जो भी सामान अपने घर में इस्तेमाल करते हैं आपको अंडर वन रूफ मिलेगा आप जो भी सामान अपने घरों में यूज करते हैं फ्रॉम सुबह उठने से फ्रॉम रात को सोने तक सब कुछ आपको एक रूफ के अंदर मिलेगा जिसमें एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट नहीं होगा जिसमें शाहरुख खान साहब का पैसे नहीं होंगे जिसमें होलसेलर के पैसे नहीं होंगे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के बहुत मिनिमम पैसे होंगे जिसमें सब चीजें मिनिमम होंगी यानी सब्सिडाइज रेट होंगे इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स होंगे और आपके घर का सारा सामान होगा साथ ही साथ आपको जो चीज मिलेगी वो इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस अपॉर्चुनिटी

उट ऑफ स्टॉक रहता है आउट ऑफ स्टॉक रहता है मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ दस में से चार चीजें मिलती है छह चीजें नहीं मिलती है कंपनी की थोड़ी सी बुराई भी कर रहा हूँ आपको <laughs> क्यों क्यों आउट ऑफ स्टॉक होता है क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट है इतना सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट है बहुत सारे टाइम आउट ऑफ स्टॉक होता है लेकिन अभी इसका स्टॉक बहुत अच्छे से मिल रहा है तो आप चाहें तो स्किन फार्मूला फार्मानाइन भी प्रमोट कर सकते हैं यूज कर सकते हैं वी आर शार्प शार्प वाटर वाटर आप का ले सकते हैं शार्प के साथ एक्सक्लूसिवली टाइप है कंपनी का जैपनीज प्रोडक्ट है आप यूज कर सकते हैं दो तरह के वाटर प्योरीफायर हम लोग बेचते हैं यस एयर प्योरिफिकेशन जो आज की रेट में एक नीड है इस पेंडेमिक के अंदर इस कोरोना वायरस का जो वायरस है कह रहे हैं तीस मिनट एयर में रहता है 30 मिनट्स इसका जो एग्जिस्टेंस है वो हवा में रहता है तो अपने रूम के अंदर अगर आप एयर प्योरिफिकेशन लगाएंगे तो आपकी हेल्प करेगा मेरे पास जितने भी रूम है मेरे घर के अंदर सबके अंदर इंस्टॉल्ड है अभी भी चालू है सुख मेरे रूम के अंदर फ्रेग्रेंस ही अलग है बिल्कुल हिमालय वाली खुशबू आती है मुझे इसको लगाने के बाद आप चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं जिसमें आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स है आपका बिजनेस भी होता है और आपके साथ साथ आपका एक हेल्थ भी इम्प्रूव होता है

आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है आप चाहें तो यहां पर बैठ के बांग्लादेश में बिजनेस कर सकते हैं नेपाल में कर सकते हैं बेरीन ओमान यू सऊदी अरेबिया थाईलैंड कहीं पर भी कर सकते हैं आपको एक आईडी मिलता है इंटरनेशनल आईडी होता है यू डोंट हैव टू स्पेंड ए सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट एंड द प्रमुख सवाल वाई यू नीड टू ज्वाइन वेस्टिज टूडे आपको वेस्टिज को ज्वाइन करने का जरूरत क्यों है मैं बताता हूं क्यों जरूरत है

वो सामान आपको एम आर पी पे मिलता है लेकिन अगर आप वेस्टेज से सामान खरीदेंगे तो आपको एम आर पी पे नहीं मिलेगा सारे प्रोडक्ट आपको डीपी पे मिलेंगे डीलर डीलर प्राइस के ऊपर एम आर पी का जो डिफरेंस है वो दस से लेकर बीस प्रतिशत तक का होता है यानी अगर आपने पांच हजार रुपए का सामान बाजार से वैसे खरीद रहे थे तो हो सकता है वही सामान यहाँ पर आपको चार हजार और बयालीस सौ रुपए का मिले यानी आपकी नेट सेविंग है एम आर पी और डीपी का डिफरेंस आपकी नेट सेविंग है आप चाहें तो उसको घर में यूज कर सकते हैं चाहे तो आपकी शॉप पे रिटेल सेल भी कर सकते हैं यह आपका कॉल है आपको जो चाहे करना है करिए लेकिन आपको 10 से लेकर 20 परसेंट तक का एमआरपी का डिफरेंस मिलता है और जो डीपी के अंदर होता है पहला फायदा बाजार में आप जो भी सामान लेंगे बिग बाजार जाइए मेक कहीं भी जाइए ग्रोफर्स जाइए जहां भी आप जाना चाहते हैं जाइए आपको सारा सामान एमआरपी पे मिलेगा यहाँ पे आपको डीपी पे मिलेगा दूसरा फायदा आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे दस परसेंट का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा अगर आपकी बिलिंग तीन हजार से ऊपर होती है जी हाँ आपने ठीक सुना अगर आप तीन हजार से ऊपर का बिलिंग करते हैं यानी तीन हजार से ऊपर का सामान खरीदते हैं तो आप मान के चलिए कि करीब करीब दस परसेंट के फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जी हाँ जो कि मार्केट में कभी नहीं मिलेगा आपको थर्ड आपको आपकी बाइंग के ऊपर पांच से लेकर ग्यारह तक का कैशबैक मिलता है यानी एवरी बाइंग आप कुछ भी सामान खरीदते हैं आपका बैंक अकाउंट नंबर देना होता है हर बाइंग के ऊपर आपके अकाउंट में कैशबैक आता है यानी आपने पांच हजार रुपए का सामान लिया या दस हजार का लिया या दो हजार का लिया या एक हजार रुपए का लिया ऑन एवरी सिंगल बाइंग आप सौ रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको एक कैशबैक आता है जो फाइव परसेंट से इलेवन परसेंट के बीच में होता है चौथा फायदा मनी बैक गारंटी कहीं नहीं मिलती है हम देते हैं क्योंकि मनी बैक गारंटी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि रेट इतने सस्ते थे तो लोगों को लगा यार क्वालिटी खराब ना हो क्योंकि हमारे अंदर एक भावना है कि चीप बेस्ट नहीं हो सकता है ना सो मनी बैक गारंटी रेट इतने कम है तो लोग कहते हैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करते तो मैं कहता हूं आप प्रोडक्ट यूज करिए समझ में ना आए तो वापिस करके हंड्रेड पैसा वापिस ले जाइए जाए आप टूथपेस्ट यूज करिए एश्योर का अगर आपको लगे कि टूथपेस्ट मजा नहीं दे रहा वापस करिए हंड्रेड परसेंट रिफंड ले जाइए फोर्थ बेनिफिट फिफ्थ बेनिफिट सबके पापा हैं <laughs> बड़ा मजेदार बेनिफिट है यार बड़ा अच्छा लगता है मुझे बताते हुए कि आपने अगर चार महीने इस कंपनी से सामान खरीदा तीन हजार रुपए का यानी तीन हजार का जून में तीन हजार का जुलाई में तीन हजार का अगस्त में तीन हजार का सितंबर में, में चार महीने कंटिन्यूस सामान खरीदा तो पांचों महीने आपको दो हजार पांच सौ रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं आपकी पसंद यानी बारह हजार रुपए की बाइंग पर पच्चीस सौ रुपए के प्रोडक्ट बीस परसेंट से ऊपर होता है आप तीन तीन हजार का सामान चार बार खरीदेंगे तो पांच बार फ्री मिलेगा एक बार नहीं बार बार मिलेगा फिर चार महीने का खरीदेंगे तो फिर ढाई हजार का फ्री फिर चार महीने का खरीदेंगे तो फिर ढाई हजार का फ्री हम अपने मोहल्ले में जिस किरायाने वाली दुकान से सामान खरीदते हैं दस साल हो गए खरीदते हुए आप बताइए क्या फ्री मिला आज तक कुछ नहीं फ्री होता भी है तो छुपा लेता होगा शायद एवरी फोर मंथर एवरी फोर मंथस प्रोडक्ट एपसलूटली फ्री लेडीज एंड जेंटलमैन अगर आप छह हजार का सामान खरीदते हैं चार महीने तो ये पांच हजार है अगर आप नौ हजार का खरीदते हैं तो ये पचहत्तर सौ हो जाता है अगर आप बारह हजार का खरीदते हैं तो ये दस हजार हो जाता है तीन हजार तो के मल्टीपल में आपको पच्चीस सौ रुपए का मल्टीपल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एवरी फिफ्थ मंथ बहुत बड़ी चीज है दोस्त तो अगर आप ऊपर के सारे बेनिफिट एड कर देंगे तो आपके डिस्काउंट काट के यानी जो आपको पैसा देना पड़ता है मोटा मोटा वो सौ रुपए के सामान के लिए सत्तर से पचहत्तर रुपए होता है यानी आपको पच्चीस से तीस परसेंट मार्केट रेट से सामान सस्ता मिलता है और सबसे आखिरी में आपको लकी ड्रॉ मिलता है यहाँ हर महीने कंपनी एक लकी ड्रॉ निकालती है बिटवीन टू एंड फिफ्थ दो और पांच के बीच में आप जो भी बाइंग करते हैं उसका एक लकी ड्रॉ होता है और पच्चीस से ऊपर की बाइंग होनी चाहिए इसमें और आपको करीब करीब पंद्रह या पच्चीस लोगों को हर महीने एफ मुझे पूरा याद नहीं है कि पंद्रह है कि पच्चीस है और बत्तीस इंच का कलर टीवी दे देते हैं <laughs> आपका ड्रॉ निकला आपको टीवी मिल गया आपने क्या किया था सामान खरीदा दैट्स इट तो दीज आर द मेजर कंज्यूमर बेनिफिट्स टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्टीज और खरीदने के लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है जस्ट हैव टू डाउनलोड एन ऐप ऐप एक एप आप आपको डाउनलोड करनी है जैसे आपने मेक माई ट्रिप की थी जैसे आपने फेसबुक की करी थी जैसे आपने व्हाट्सएप की करी थी ऐसे एक ऐप डाउनलोड करिए आपके पास एक पूरी दुकान खुल जाती है सामान घर मंगाइए हंड्रेड परसेंट आपके घर में पहला कुरियर फ्री है पहले कुरियर पे आपको कोई पैसा नहीं देना फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरी बार जब मंगाते हैं तो अगर 1600 सो से नीचे होता है तो मात्र पैंसठ सौ रुपए पैंसठ रुपए देने हैं सॉरी और सोलह सौ सो रुपए से ऊपर होता है तो वो भी फ्री है यानी नेगेलिजिबल कुरियर अमाउंट है एबसलूटली फ्री है आप अपने घर में सामान मंगाइए बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है घर का सारा का सारा सामान आपको एक ऐप आप के ऊपर मिलेगा विद ऑल दीज स्पेशल बेनिफिट ये तो है बात नंबर एक लेकिन ये के लिए मैं नहीं आया हूं. मैं ये पांच बेनिफिट ले लेने के लिए नहीं आया था एक बार बेनिफिट लेके मुझे हजार दो हजार महीना बच जाएंगे इसके लिए नहीं आया था मैं लकी ड्रॉ के लिए भी नहीं आया था मैं ढाई हजार रुपये का सामान फ्री मिल जाएगा मैं इसके लिए भी नहीं आया था क्योंकि ये तो दो हजार तीन हजार रुपये महीने की बचत है हाँ की जरूरी है लेकिन इसके लिए मैं नहीं आया मैं किस चीज़ के लिए आया था उस पर लेके जाता मैं कुछ बहुत बड़ा करने आया था मैं आया था नेटवर्क बनाने क्योंकि तो मुझे कुछ बातें समझ में आई मैं कॉर्पोरेट में जाता हूँ ट्रेनिंग करने अलग अलग कॉरपोरेट्स में गया पिछले पाँच छः साल से बहुत भ्रमण किया विश्व भ्रमण पर निकला हुआ हूँ तो कॉर्पोरेट का, का काम करने का तरीका मुझे समझ में आया और वही तरीका आज मैं मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को बार बार सिखा रहा हूँ जो सीखना चाहे उसी को सिखाया जा सकता है सो पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गौर से अगले पाँच मिनट सुनिएगा पेपर है नोट्स बना रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ नाम लिखने वाला हूं आपकी स्क्रीन पे कुछ नाम आ गए किसान कैचअप ऑयल बेबी फूड बिस्किट्स कॉफी वनस्पति घी बटर डिटर्जेंट पाउडर कंडीशनर शेविंग प्रोडक्ट्स कलर कॉस्मेटिक डेंटर क्लियर ओरल केयर क्लोजअप टाटा टी क्लिनिक प्लस डिश टीवी नेस्ले वोडाफोन एयरटेल जियो बाथरूम क्लीनिंग सीरियल सॉल्ट मिल्क पाउडर अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर क्या आपके घर में ये सारा सामान इस्तेमाल होता है हाँ होता है कुछ कुछ तो होता होगा सब नहीं होता होगा तो आधा होता होगा आधा नहीं होगा तो पच्चीस परसेंट होता होगा लेकिन कुछ कुछ सामान हर किसी घर में इस्तेमाल होता है

नेस्ले क्या बेच रही है मैगी बारह रुपए की फ्रूटी <laughs> बेच रहे हैं दस रुपए की कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं दस रुपए की टूथपेस्ट बेच रहे हैं दो सौ रुपए का ब्रश बेच रहे हैं पच्चीस रुपए का शेविंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं सौ रुपए के लेकिन लाइफ कैसा है जानते हैं अपने अपने प्राइवेट जेट है लेकिन माल कितने रुपए का बेच रहे हैं सौ पचास डेढ़ सौ सौ कुछ समझ में आया नहीं आया समझाता हूं मेरी एक बहुत पुरानी कहावत है बड़े लोग हमेशा छोटा काम करते हैं और छोटे लोग हमेशा बड़ा काम करते हैं फिर बोलता हूं बड़े लोग हमेशा छोटा काम करते हैं और छोटे लोग हमेशा बड़ा काम करते हैं छोटा काम टिकट साइज जिसमें बहुत छोटा हो दस बीस पचास सौ रुपए वॉल्यूम जिसमें बहुत बड़ा हो ये सब वॉल्यूंग प्लेयर्स हैं एयरटेल वोडाफोन, गैस, ये मार्जिन में नहीं खेलते वॉल्यूम में प्ले करते हैं और इनको एक बात इनकी खोपड़ी में अच्छे से फिट है अच्छे से फिट है कि काम वो करो जिसमें पांच साल के बाद पैसे आए काम वो करो जो स्टेबल इनकम जिंदगी भर दे काम वो करो जो पैसे वर्निंग दे लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के इसके बिल्कुल उलट हैं हम कहते हैं हमको शाम को दिहाड़ी दे देना बाबू बस हमारी अपनी मजबूरियां हैं क्या करें लेकिन इनका thought process बिल्कुल अलग है ये ये आज में पैसे कमाने पे विश्वास नहीं करते, ये pipeline बनाने जिंदगी आए आठ साल के बाद चलेगा अपने जिंदगी आने चाहिए दस साल के बाद पैसा आए चलेगा लेकिन जिंदगी आना चाहिए बस तो इनको बात समझ में आई नेटवर्क क्रिएट करने एग्जाम्पल देता हूं बहुत सारे हैं टाइम कम है तो एक ही दूंगा 2017 में आपके हाथ में जियो लॉन्च हुआ आपके हाथ में जियो आया मुकेश अंबानी साहब ने डेढ़ लाख करोड़ लगाए जियो के अंदर डेढ़ लाख करोड़ लाख करोड़ का फंडिंग था पच्चीस हजार करोड़ अपनी जेब से लगा जियो लॉन्च हो गया तो दो में जब लॉन्च किया आपको याद होगा फ्री 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 पहले छह महीने फ्री आपने कहा ओहो अब आया मजा साला मोबाइल डाटा बंद करने की भी जरूरत नहीं है है ना पहले डाटा बंद करते थे क्योंकि जरा वोडाफोन एयरटेल ने बहुत बजाई हमारी जियो ने क्या किया फ्री पहले छह महीने फ्री पैसा कमाया पहले छह महीने दिल पे हाथ रख के बताइए कमाया ना डेढ़ लाख करोड़ लगाने के बाद भी छह महीने कुछ नहीं कमाया डेढ़ लाख करोड़ लगाने के बाद कुछ नहीं कमाया और 2017 में आपके हाथ में दिया उसकी प्लानिंग तो तीन चार पांच साल और पहले से कर रहे होंगे अंबानी साहब देखिए स्मार्टनेस देखिए उस आदमी का दिमाग देखिए कहते हैं सफलता आपको खुशबू छोड़ जाती है आप पकड़ने वाले चाहिए क्या किया 2017 के बाद एक साल तक एक रुपया नहीं कमाया नेटवर्क बनाया जी हाँ जिसको देशी भाषा में हम और आप मेंबर बनाने का खेल समझते हैं ना अंबानी साहब के लिए वो अरबपति बनने का रास्ता बना अर, अरब अरबपति बनाने का रास्ता बनाया उसने साठ करोड़ कनेक्शन बेचे आज साठ करोड़ लोगों के हाथ में जियो है सर हमारे पास भी है आपके पास भी होगा हमने नंबर सेव किए संजय जियो जियो शालिनी जियो है ना दो दो नंबर थे सबके पास साठ करोड़ लोग आज महीने का अगर पांच सौ रुपया भी दे आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा हर महीने आता है लेकिन एक पांच सौ रुपए से कुछ नहीं होता लेकिन पहले दिन किसी एक व्यक्ति को तो जियो दिया होगा ना शुरुआत तो एक से ही हुई होगी थाउजेंड माइल जर्नी बिगिन विद सिंगल स्टेप सौ मील की यात्रा पहले कदम से ही तो आरंभ होती है पहले एबीसीडी तो सीखी थी पहले का ही तो तो सीखा था करते करते इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर बने ना सीधा एमबीबीएस तो की डिग्री नहीं मिली थी अपने फंडा बड़ा सिंपल है नेटवर्क बनाओ नेटवर्क बनाओ और उस नेटवर्क से थोड़ा थोड़ा जिंदगी भर कमाओ जो इन सब कंपनियों ने किया आपके सामने जो नाम है इन्होंने नेटवर्क बनाया नेटवर्क बनाया नेटवर्क बनाया आपके घरों में घुस गए आवाप से हर महीने 100 200 500 रुपए कमाते हैं आपको भी तकलीफ नहीं है ये भी मौज में आप इन सब कंपनियों के नेटवर्क में हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आप इन सब कंपनियों के नेटवर्क में हैं आपकी कमाई का कुछ भाग ये कंपनियां हर महीने आपसे ले जाती हैं आप इन सब कंपनियों के नेटवर्क में हैं आपके नेटवर्क में कौन है आप किसकी कमाई का भाग लेते हैं आपको किसी और की कमाई का कोई भाग आता है क्या नहीं इसीलिए हम शायद लोग जिंदगी में अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि हमको हमारी ही कमाई का भाग मिलता है और इन सब कंपनियों की हमारी कमाई का भाग मिलता है खाली अपना नहीं मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज कुछ अलग करते हैं यार कुछ अलग पाते हैं यार देखो दोस्त हो सकता है आप एक घंटे की मीटिंग एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें पॉसिबल है भगवान ने दो कान दिए भी इसीलिए हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना छह महीने कुछ अलग करें यार लेट्स डिफरेंट जो आज तक नहीं किया और मजे की बात जानते हैं लगेगा भी कुछ नहीं क्यों ना खेलें यार कुछ खेल खेलें जिसमें लॉस नहीं है फायदा बहुत खतरनाक हो सकता है क्या करना है आपको वॉट यू हैव टू डू एक ऐप डाउनलोड करिए वेस्ट चीज का ऐप डाउनलोड करिए और 100 पीवी की बाइंग करिए 100 पीवी का मतलब होता है तीन हजार रुपये तीन हजार रुपए का सामान खरीदिए अपने घर के लिए जो आप वैसे भी खरीद ही रहे थे मैं सिर्फ कह रहा हूं इस ऐप के थ्रू खरीद लीजिए तीन हजार रुपए का सामान बेच के ना मैं करोड़पति बन सकता हूं ना कंपनी आपको अगर तीन हजार का सामान मुझे बेचना ही होता तो मेरी जरूरत नहीं थी जिसने आपको बुलाया है वो वैसे आपको बोल देता आप वैसे भी खरीद लेते जिसने आपको बुलाया है वो आपको वैसे ही कहता इतना उसका आपके ऊपर अधिकार है कि वो बोलता भैया तुम मेरे कहने से तीन का सामान ले ले तो आप मना नहीं करते मेरी जरूरत नहीं थी मेरी जरूरत किस के लिए है वो बता रहा हूँ आपने क्या करना है सौ पीवी का सामान यानी तीन हजार रुपए की बाइंग कर ली है अपने घर के लिए आटा दाल चावल शक्कर जो आपका मन करे टूथपेस्ट शैंपू कंडीशनर हेयर ऑयल क्रीम लिपस्टिक बिंदी नेल पेंट जो आपका मन करे व्हाट्स एवर यू टू बाय यू कैन बाय एवरी थिंग वी हैव तीन हजार रुपए की शॉपिंग कर ही रहे थे अभी क्या करना है ए दुकान से ना लेके बी दुकान से ले ली बस इतना ही किया अब होगा क्या और मैं सिर्फ आपको छोटी सी सलाह देता हूँ अगले कुछ दिन कुछ ऐसा करें जो आज तक नहीं किया लेट्स डू समथिंग डिफरेंट जिंदगी में अलग पाना है तो अलग करना पड़ता है दो दोस्तों को दो रिश्तेदारों को और दो पड़ोसियों को बस इतनी ही सलाह देते दे। हैं शुरू शुरू में बहुत अजीब लगता है ये आपको लगता है हो ये तो वही काम है अरे 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 अरे, अरे, अरे बस यही मिस्टेक है बस यही साला सबसे बड़ी गलती है सारा का सारा मुसीबत की जो जड़ है ना वो यही चालू होती है जियो ने पहले किसी को बेचा था नहीं बेचा था कनेक्शन फेसबुक के मालिक ने पहले किसी को फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजी थी कि नहीं भेजी थी भेजी थी वोडाफोन ने पहला कनेक्शन किसी को भेजा था कि नहीं भेजा था भेजा था डिश टीवी ने पहले किसी की छतरी टांगी थी छत पे कि नहीं टांगी थी टांगी थी शुरुआत एक से ही होती है ताजमहल में पहले दिन ताजमहल नहीं बना था मेरे दोस्त एक ईंट लगाई गई होगी पहले दिन पहले दिन एक ईंट लगी होगी फिर मिस्त्री ने दूसरी ईंट लगाई होगी फिर मिस्त्री ने तीसरी ईंट लगाई होगी फिर मिस्त्री ने, ने चौथी पांचवी और छठी ईंट लगाई होगी आज उसके ऊपर 400 साल पुरानी एक बुलंद इमारत खड़ी है जिसपे रिवेन्यू आज भी मिलता है लेकिन पहले दिन एक ईंट लगी थी पहली ईंट से ताजमहल कभी दिखता नहीं है और 90 परसेंट लोग गलती ये करते हैं 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 कि पहली ईंट से ताजमहल देखना चाहते हैं। बस समझी, आप समझ गए हैं मैं क्या कह रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए जो जीव ने रखा आपने छह लोगों को स्पॉन्सर करना है ध्यान से सुनिए अगले पांच मिनट पेशेंस रख के और एक मिनट के लिए मान लीजिए जैसे सोनू जी कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं छे लोगों को स्पॉन्सर किया सबने तीन तीन हजार की बाइंग करी टोटल बाइंग कितनी होगी अट्ठारह हजार की अगर छह लोग तीन तीन हजार की बाइंग करें तो अठारह हजार की बाइंग होती है पहला गिफ्ट आपको मिलता है आपको ढाई हजार रुपए की प्रोडक्ट फ्री हो जाते हैं आहा हो आए मजा आ गया आपने कहा अब आप आया कुछ मजा अब कुछ बात बनती नजर आ रही है कुछ है ना कुछ हमारे फायदे की बात आप लोग बता रहे हैं नहीं नहीं मैं भी अभी भी इस ढाई हजार रुपए के लिए नहीं आया हूँ यार वी आर नॉट हेयर टू वन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीजी टू वन बिग मनी आपने छ लोगों को स्पॉन्सर किया और आपको पहला ढाई हजार रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिल गया आपकी पसंद का और आपकी टीम में हो गए छ परिवार एक दो तीन चार पांच छ नाव यू है टीम ऑफ सिक्स पीपल ये छह लोग वैसे भी सामान खरीद रहे थे आपने सिर्फ दुकान बदल दी अब ध्यान से सुनिएगा अगले पांच मिनट केयरफुली लेटेस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप ऐसा समझिए कि मैं सामने बैठ के ही समझा रहा हूं आपको आप ही टेबल पे मेरे हाथ में पेन है और मैं व्हाइट पेपर के ऊपर लिख रहा हूं घस रहा हूं पहले महीने आप अकेले हैं और आपने तीन हजार रुपए की बाइंग करी ढाई हजार रुपए की प्रोडक्ट तो तब मिलेंगे जब छह को स्पॉन्सर करेंगे लेकिन नब्बे रुपए का कैशबैक आ जाता है यानी आपने बाइंग करी और आपको एक कैशबैक आ गया नाइन्टी रुपीज का राइट अगले महीने छह लोगों को हमने स्पॉन्सर किया सबने तीन तीन हजार की बाइंग करी तो टोटल सेलिंग हुई अट्ठारह हजार रुपए की आपका पैसा आया तीन सौ साठ रुपए आपको पैसे आए तीन सौ साठ रुपए इन छह लोगों को मैंने एक ही बात बोली कि दोस्त एक बार कुछ अलग करते हैं यार अड़ोसी पड़ोसी दो रिश्तेदार बतेरे लोग हैं ऐप डाउनलोड करा दो हर आदमी छह लोगों को ऐप डाउनलोड करा दे बस जिंदगी भर मौज लेने का हकदारी है वो छह 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 लोग छे लोग लोगों को ऐप डाउनलोड करा दे तो 36 लोग होते हैं दोस्त सब तीन हजार की बाइंग जो वैसे भी कर रहे थे यहां से करते हैं तो एक लाख आठ हजार रुपए की बाइंग होती है आपका जो कमीशन बनता है इस एक लाख की बाइंग के ऊपर वो आठ हजार और दस हजार के बीच में बनता है ये जो पहले तीन महीने है ना दोस्त these These are are the the most most crucial months in network marketing industry. These are the most tragic, जिसको बोलते हैं, सबसे खतरनाक ये पहले तीन महीने जो इस तीन महीने से बाहर निकल गया वो सुल्तान बनता है पहले तीन महीने क्यों क्योंकि क्या होता है आप नया काम कर रहे हैं और नया काम चेंज होता है और चेंज आसान नहीं होता चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है हम कोई भी चीज चेंज नहीं करना चाहते जैसे चल रहा है ठीक है यार सो आप कुछ नया करने लगे अपने लोगों को नया बताने लगे अब यहाँ पर क्या होता है आपको मिलते हैं गीता ज्ञानी लोग ओहो हमें सब पता है हमने दुनिया देखी है हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हमने कर कर के छोड़ दिए अब बेटा तू हमें क्या बताएगा अच्छा कुछ यंगस्टर भी होंगे इसमें इक्कीस बाईस साल के जो मुझे सुन रहे होंगे वो गलती से किसी चालीस साल के आदमी को बता देंगे तो बोल देंगे बेटा जितनी तेरी उम्र है उतना तो हमारा तजुर्बा है ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे पहले तीन महीने में और आपको भी लग रहा होगा अरे यार मैं कहाँ आ गया ये ये चटनी चूरण वाला काम शुरू कर दिया और पैसे भी दो सौ ढाई रुपए आ रहे हैं अच्छा पैसे भी कमा रहे हैं बातें भी सुनने को मिल रही है तो नाइनटी लोग यू टर्न मारते हैं पहले तीन महीने में ये सबसे बड़ा नुकसान होता है पहले तीन महीने में 90 परसेंट लोग यूटर्न मार जाते हैं उन लोगों की बातें सुनते हैं जिनको इसके बारे में कोई तजुर्बा नहीं है उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन दोस्त बस ये तीन महीने से आप टाप के अगर चौथे महीने में आ गए तो एक बहुत बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है 36 लोगों ने सोचो छह लोगों को स्पॉन्सर किया तो आपका नेटवर्क होता है दो लोगों का छह लाख अड़तालीस हजार रुपए की बिलिंग होती है और आपका चेक होता है पचास हजार और सत्तर हजार के बीचेंड एंड सेवेंटी चौथे महीने में आपकी इनकम पचास हजार और सत्तर हजार के बीच में पहुंचती है लेकिन अफसोस यह है कि इसको इनकम को लेने के लिए मात्र पांच परसेंट लोग बचते हैं क्योंकि नब्बे नब्बे पचनवे परसेंट लोग वो पहले तीन महीने में छटनी हो जाती है आपको साथ साथ दूसरा पहलू भी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो गलतियां लोग करते हैं वो साथ साथ बता सकूं जिससे आप वो गलती ना करें काम शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं है काम पूरा करना इंपॉर्टेंट है जी हाँ आपने ठीक सुना काम शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं है काम पूरा करना इंपॉर्टेंट है क्या जिस व्यक्ति ने ताजमहल बनाया आपको पता है उनका नाम क्या 20 दिन के बाद उसने मजदूरों को भगा दिया था क्या तीन महीने के बाद मजदूरों को भगा दिया था अरे यार तीन महीने हो गए साला कुछ दिख ही नहीं रहा यार मेरे को <laughs> अगर शाहजहां साहब ऐसा बोलते है कि तीन महीने हो गए यार तुमको ईट गारा लगाते हुए कुछ नजर नहीं आ रहा क्या एक साल बाद भी अगर शाहजहां साहब बोलते कि कुछ नहीं दिख रहा है यार क्या कर रहे हो एक साल हो गया तुमको यार ताजमहल बनता पेशेंस रखी अपने सपने पे भरोसा रखा अपने कारीगरों पे विश्वास रखा काम करने दिया बस इसको काम कर लंबा खींचे पांचों महीने क्या होता है जानते हैं अगर दो सौ सोलह लोगों लोग को चटनी खरीद रहे थे नमक खरीद रहे थे आटा खरीद रहे थे चावल खरीद रहे थे रूट डाइवर्ट किया सिस्टम में घुसाया सब ने तीन हजार की बाइंग करी करीब करीब अड़तीस लाख रुपए की सेल होती है अड़तीस लाख रुपए के प्रोडक्ट किसके माध्यम से बिकते हैं जानते हैं आप क्योंकि सबसे पहले गाड़ी आपसे चालू हुई है ये बारह सौ छियानवे डब्बे हैं आप इंजन हैं इस बारह सौ छियानवे डब्बों का आपकी इनकम कहीं ढाई लाख और साढ़े तीन लाख के बीच में लैंड करती है और मैं आपको बता रहा हूँ ये जेनवन है ये सच है बस दुख ये है कि यहाँ तक पहुंचते हैं सिर्फ दो चार परसेंट लोग कुछ लोगों ने मुझे बोला सिर्फ दो चार परसेंट ही कमाते हैं तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो क्यों कमाते हैं जानते हो क्योंकि दो चार परसेंट ही पहुंचते हैं बाकी सतानवे परसेंट छियानवे परसेंट पचनवे पर परसेंट लोगों को तो सांप काट जाता है पहले चार महीने सांप कौन होता है जानते हैं इर्द गिर्द की नेगेटिविटी अड़ोस पड़ोस के लोग जो गीता ज्ञानी होते हैं प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डिवोर्सी आदमी से शादी की सलाह कभी नहीं मांगने जाना कभी शादी नहीं करने देगा आपको शादी की सलाह उससे मांगने जाना जिसने अपनी पचासवीं वर्षगात खुशी खुशी मनाई हो आपको आप सलाह देगा कि यार इससे बेटर कोई दुनिया में है ही नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेट मार्केटिंग ने लोगों का जीवन बदल दिया उन लोगों का जो तीन चार पांच महीने निकाले हर चीज को सेट होने में टाइम लगता है हमारी नौकरी जब बीस हजार रुपए की थी आज दो लाख रुपए की है तो क्या बीस हजार से दो लाख क्या चार महीने में आ गए थे नहीं दस साल पंद्रह साल लगे थे हम हर चीज में टाइम देते हैं हम एमबीबीएस करते हैं छह साल की चार साल एमडी करते हैं दस साल में एक डॉक्टर बनते हैं तब दो ढाई तीन लाख पांच लाख रुपए कमाते हैं सीए करते हैं पांच साल में तब पैसे कमाते हैं एमबीए करते हैं चार साल में तब पैसे कमाते हैं हर फील्ड हर प्रोफेशन टाइम मांगता है लेकिन तकलीफ ये होती है कि यहां पर लोगों को लगता है जादू की छड़ी है सोनू जी आए हैं हाला हाला गुलू गुलू हिल हिल करेंगे गाला गाला बुम बुम कर कुछ करेंगे और अचानक हमारे पास पैसों की बौछार हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता यार दिस बिजनेस विल टेक सम गुड टाइम लेकिन इफ यू आर कमिटेड टू गिव दैट टाइम 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 और वो वो कोई साल नहीं है मात्र पांच महीने है सिर्फ महीने आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं आगे लेके चलता हूं बहुत तरह की इनकम यहां एंजॉय कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है आप उससे मिलेंगे तो आपको डिटेल बता देगा मैं पूरा इनकम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे सेशन को

400 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जगुआर जैसी गाड़ियां लोग चला रहे हैं कंपनी का एक कार बुक आता है अगर आपको मौका मिले तो उस कार बुक को देखिएगा जरूर आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी आ जाएंगी जब आप देखेंगे एक आम लोगों को मर्सिडीज एस क्लास के सामने खड़ा हुआ हाउस फंड 3% अली क्लब बोनस 2% नौ तरह की से आप बोनस, बोनस, उससे उस समझिएगा जो आपको लाया है जे पॉल गेटी जो दुनिया के पहले मिलेनियर थे उनके कोर्ट से को खत्म करूंगा इस सेशन को क्लोज करूंगा वो कहते हैं है, सौ लोगों से एक रुपया कमाना पसंद करता हूँ

और अगर सौ लोगों से एक एक रुपया कमाता रहा और उसमें भी निकल लिए तो भी नाइनटी फाइव रुपीज आएंगे पावर ऑफ नेटवर्क करना क्या है डाउनलोड वेस्टिज ऐप टुडे एंड स्टार्ट योर बिजनेस आज ही ऐप डाउनलोड करिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए स्पेंड है सिंगल पेनी फ्रॉम योर पैकेट एज अ इन्वेस्टमेंट आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना सिंपल ऐप डाउनलोड करिए अपने घर का सामान जो बाजार से खरीदते थे बस यहां से खरीदना शुरू कर दीजिए विद क्वालिटी सात कंट्री में सामान ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है जिसमें दुबई जैसी कंट्री शामिल आप सो है आप सोच सकते हैं हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है वी आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम लेकमे टूडे आज हम लेकमे के लिए सामान बना रहे हैं हम आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए सामान बना रहे हैं कंपनी की फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाए भी जा रहे हैं आज की डेट में आप दस सेकंड के लिए आंख बंद करिए जस्ट क्लोज योर आईज फॉर टेन सेकेंड और सोचिए कि व्यस्त ज्वाइन करने का नुकसान क्या होगा सिर्फ दस सेकेंड सोचिए कि ज्वाइन करने का नुकसान क्या होगा सोनू जी ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं तो उसमें नेट खर्च होगा थोड़ा सा सोनू जी तीन हजार चार हजार का सामान खरीदने के लिए बोल रहे हैं तो तीन चार हजार रुपए चले जाएंगे जब से यार इसके अलावा आपका लॉस क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ दिल पे हाथ रख के बताइएगा ईमानदारी से कुछ नहीं दोस्त क्या इतना चांस नेट का थोड़ा सा जीबी खर्च नहीं कर सकते एप डाउनलोड करने के लिए क्या तीन हजार चार हजार का सामान नहीं मंगा सकते एक बार यूज करिए प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो मंगाइएगा नहीं अच्छा लगेगा तो मत मंगाइएगा बात खत्म क्या इतना चांस भी नहीं ले सकते इस पेंडेमिक के अंदर जहां बहुत हालत खराब है क्या इतना चांस नहीं ले सकते एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग को करने के लिए मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि ये छोटी की छोटी दो एक्टिविटी ऐप डाउनलोड और बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्टेज आपको एक नया रास्ता जरूर दिखाएगा आगे बढ़ने का नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम टेस्टिमोनियल्स एज फास्ट एज आई कैन जिस पेंडेमिक के अंदर पूरी दुनिया बंद है जिस पेंडेमिक के अंदर लोगों के रोजगार छिन गए लोगों की नौकरियाँ चलेगी बीस करोड़ लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं उसी पेंडेमिक के अंदर वेस्ट के अंदर लीडर्स कमाल कर रहे हैं हमारी टीम आज से नौ महीने पहले शुरू हुई और इस नौ महीने के अंदर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और अपने आप को एक लेवल पर लेके गए मैं रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करता हूँ वेस्ट मैनेजमेंट का मैं एंड करता हूं कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स मिस्टर 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 सिंह दीपक सूद गौतम बाली सर इन तीनों लोगों का रिगार्ड करता हूं और सारा सपोर्टिंग स्टाफ जो 500 600 लोगों का स्टाफ है जो मैनेज कर रहा है सारा लॉजिस्टिक जो मैनेज कर रहा है सारा कुरियर डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये पूरी की पूरी टीम हेल्प करी हमको पिछले तीन महीने पैसा कमाने के लिए पिछले तीन महीने में भी हमने पैसा कमाया जब पूरा दुनिया बंद थी जब पूरी अर्थव्यवस्था बंद थी मैं उन लीडर को भी सैल्यूट करता हूं जो वेस्टेज में हमारे पहले से आए मैं उनकी मेहनत को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने एक रास्ता बनाया बाकी लोगों के लिए जो आज आ रहे हैं मैं उन सबको सेल्यूट करता हूँ जो पुराने लीडर हैं जो करोड़पति हैं जो जिनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है मैं सबको सैल्यूट करता हूं लेकिन सबसे ज्यादा सैल्यूट करता हूं मैं अपनी टीम को जिन्होंने तीन महीने के अंदर वो कर दिया जो बहुत सारे लोग बहुत सालों में भी नहीं कर सके मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ जिसमें पहला नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ दो भाइयों का आपको ट्विंस लग रहे होंगे ट्विंस ही हैं मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कहानी इन दोनों की मैं नाम भी भूल जाता हूं अक्सर अब मुझे याद हो गया लेकिन अनिल एंड अमित गौतम पिछले तीन महीने का चेक है पांच लाख बासठ हजार नौ सौ तेईस रुपए यानी करीब करीब पौने दो लाख रुपए महीना मार्च अप्रैल मई जब पूरा हिंदुस्तान बंद है पूरी अर्थव्यवस्था की बैंड बजी हुई है नौकरियां जा रही हैं उस प्रॉब्लम के अंदर दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग मैं उस लड़के की बात करना चाहता हूं जिसकी उम्र 21 साल है और ये इंस्पिरेशन है उस उन लोगों के लिए उस जेंट्री के लिए जो 20 साल 22 साल 25 साल में आज सोच रहे हैं कि हम अपना भविष्य कैसे बनाएंगे उनके पास रास्ता नहीं है कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है जहाज कितना ही बेहतर हो उसमें रॉयस रॉयस का इंजन ही क्यों ना लगा हो अगर आप उसको टेक ऑफ करने के लिए रनवे ही नहीं देंगे तो कैसे टेक करेगा है, लेकिन आज ये कर रहे है। तीन महीने की इनकम इस नौजवान लड़के की छह लाख बारह हजार सात सौ छियासी रुपये है जिसकी उम्र मुझसे है. I am 43, he is आधी है आई एम फोर्टी थ्री ट्वेंटी वन आधी उम्र का लड़का है आज दो लाख रुपए पर मंथ के पे आउट पे है दिल पे हाथ रखिए दोस्त और आंख बंद करके सोचिए आप ऐसे कितने लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस दोस्ती में रिश्तेदारी में जानते हैं जो बीस साल के हैं जो बारहवीं पास हैं सरकारी स्कूल से और जो दो लाख रूपये महीना कमा रहे हैं यहाँ हो रहा है तो अगर इफ वन कैन डू एनी बडी कैन डू और इनकी टीम में सब यंग लड़के हैं पंद्रह साल अठारह साल बाईस साल तेईस साल कल तो एक लड़की की वीडियो आई मेरे पास जो चौदह साल का है मैं उसको सुन के पागल हो गया मैंने कहा बाप रे बाप व्हाट इज डूइंग तो हम आने वाली को बहुत बड़ा मौका देना चाहते हैं संदीप the another dashing, dynamite personality of my team. मैं युवराज सिंह बोलता हूं इसको। साल साल का उम्र उम्र है सर। साल की उम्र में लोग क्या करते हैं कुछ नहीं करते बहुत सारे लोग तो बायोडाटा लेके घूमते हैं उदर, all the respect and regard to their studies. लेकिन ये लड़के ने दम दिखाया है ये लड़के ने मेहनत करी है इसने अपने आप को प्रूफ किया है और आज संदीप करीब करीब दो लाख रुपए से ऊपर की पर मंथ इनकम पे है मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ इनको मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ इनका और मुझे इनके काम करने का तरीका बहुत पसंद है आई एम फाउंड ऑफ हिज वर्क द वे ही वर्क द वे द एटीट्यूड ही है मतलब गजब पर्सनैलिटी है और आज करीब करीब दो लाख रुपए की इनकम पे है पांच साल नौकरी करते थे बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ एक लंबी स्टोरी है उसमें नहीं जाता लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ इससे

सात आठ साल मुझसे छोटे हैं लेकिन गजब की ताकत गजब की ट्रेनिंग गजब की पर्सनैलिटी गजब का आत्मविश्वास गजब का ह्यूमर एवरीथिंग पहले जॉब करते थे पेशे से इंजीनियर हैं तो दस से बारह साल नौकरी करी नौकरी करते करते डेढ़ लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी लेकिन वेस्टिज शुरू करी आज से 9 महीना पहले और आप देख सकते हैं कि तीनों महीने की कंसिस्टेंट इनकम तीन लाख रुपए है तीन लाख रुपए मार्च में कमाए तीन लाख अप्रैल में कमाए तीन लाख मे में कमाए पैसा कमाना और कमाते रहना अलग अलग बातें हैं कंसिस्टेंटली कमाए करीब करीब दस लाख रुपए की इनकम है गौरव की हैट्स ऑफ टू हिज लीडरशिप एक्सलेंट पर्सनैलिटी बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं आज के डेट में और बहुत कुछ सीखता हूं मैं इनसे आज की रेट के डेट में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं इस कंपनी के अंदर और बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं तीन लाख रुपए महीना कम नहीं होता था उस पेंडेमिक के अंदर नीर मालविया 24-25 साल का नौजवान लड़का जो फिर मेरी उम्र से करीब करीब 40 परसेंट आधा है हाँ, <sighs> I'm very happy to tell you about his journey. इसका पहला चेक 142 रुपए का था 142 रुपए का पहला पे आउट था आज से चार साल पहले नहीं सिर्फ आठ महीने पहले आठ महीने पहले नीर का पहला चेक एक रुपए का था यानी सितंबर की इनकम थी बयालीस एक रुपए और आज इनकी महीने की इनकम करीब करीब नब्बे हजार रुपए है और तीनों महीनों की अगर इनकम टोटल कर लो मार्च अप्रैल मई तो करीब करीब दो लाख छप्पन हजार सात सौ अठानवे रुपए पच्चीस साल के नौजवान ने कमाए हैं हो सकता है किसी के लिए अस्सी नब्बे हजार रुपए या एक लाख रुपए बहुत बड़ी रकम ना हो लेकिन मेरे लिए बहुत है इस पेंडेमिक के अंदर एक लाख रुपए दस लाख रुपए के बराबर है जब लोगों की नौकरियां जा रही है ये लोगों को रोजगार दे रहे हैं और सवाल आज के एक लाख रुपए का नहीं है मैं जो डेडिकेशन इस लड़के में देखता हूँ जो स्टाइल सी मुझे भी सलाह देता है आजकल कि सर आप ऐसा बोला करो आज वैसा बोला करते हो मैं भाई तेरी बात मानता हूँ नीर मैंने कल ह्यूमर यूज किया है यार तू नाराज ना हुआ कर <laughs> तो आजकल मैं इससे सीखता हूँ मुझे बताता है कि सोनू जी आपको ऐसा करना चाहिए तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आज 24 साल 25 साल के बच्चे भी समझा रहे हैं <laughs> मैं इनकी बात मान भी रहा हूँ लेकिन सो so, आज दे आर अर्निंग वेरी गुड और ये बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं मुझे विश्वास है अगले छह महीने और एक साल के अंदर इनका पे आउट तीन साढ़े तीन लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगा आप सोचिए अगर एक साल के बाद नील पांच लाख रुपए का चेक दिखा रहा होगा तो कितनी बड़ी अचीवमेंट हो गया दीपांशु पिछले तीन महीने में इसका जो ग्रोथ हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मार्च का चेक ग्यारह अप्रैल का चेक छत्तीस 11,000 से 36,000 36,000 से बावन हजार ग्यारह से 36 36 से बावन जून में पता नहीं क्या बम फाड़ेगा ये

करण गॉड ब्लेस यू नरेंद्र नौकरी करते हैं पार्ट टाइम वेस्टेज को बिल्ड कर रहे हैं आज करीब करीब मंथ की इनकम पे हैं। और बारह साल से जॉब कर रहे हैं वहां सत्तर हजार रुपए की तनखा है यहाँ अस्सी हजार रुपए की इनकम है दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग लेडीज एंड जेंटलमैन क्योंकि सबको आठ आठ महीने हो चुके हैं आप देखिएगा आने वाले आठ महीने में या एक साल के अंदर मेरे होगा इनके पे के अंदर संजुम भाटिया द ग्रेट पर्सनैलिटी आज पिछले महीने का जो चेक संजुम का है वो एक लाख पांच हजार रुपए का है वन लाख फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन टू रुपीज और गजब पर्सनैलिटी है जो मेहनत कर रहे हैं जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरे की पूरी टीम बहुत गजब काम कर रही है संजुम की कांग्रेचुलेसन संजू इस पेंडेमिक के अंदर तुम एक लाख रुपए के चेक पर हो इंस्पिरेशन हो पूरी टीएसएस के लिए सब लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल हो एक्सलेंट पंकज कोहली

मई में इनकम एक लाख उससे पहले की इनकम थी अस्सी हजार उससे पहले की सत्तर हजार, करीब -करीब देखा जाए, तो ये भाई भी लाख रुपए से ऊपर लास्ट तीन महीने में कमा चुके हैं और अगला चेक ये एम कर रहे हैं डेढ़ लाख रुपए का अगला चेक ये टारगेट कर रहे हैं फोकस कर रहे हैं एक लाख पचास हजार का और ये सब लॉकडाउन में चल रहा है दोस्त जिस दिन खुलेगा सब बाजार नॉर्मल होगा पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं छोटी सी गुड़िया है इक्कीस बाईस साल की उम्र है पहला इससे पुराना चेक था इसका पंद्रह हजार और पंद्रह हजार का चेक इस महीने बढ़कर हो गया पच्चीस हजार पांच सौ इकतीस रुपए आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज लिटल अचीवमेंट इन माई टीम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इंसान बन गए और सवाल पच्चीस हजार का आज नहीं है सवाल ये की छह महीने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं पंद्रह से पच्चीस इस महीने चालीस फिर अगले तीन चार छ एक साल दो साल पांच साल कैन यू इमेजिन आफ्टर फाइव ईयर से लोग क्या करेंगे अभी, अभी शादी है इसकी पच्चीस तारीख को तो सबको मैं इस, क्या कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको शादी की बधाई देता हूँ शिवानी कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शादी ड्यू थी और अब फाइनली हो रही है आपको भी हिमांशु को भी बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और पिछले महीने का शिवानी का चेक है साठ हजार रुपए और बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर रही है बहुत जबरदस्त लीडर है मजर हुसैन मजहर हुसैन 18 19 साल का नौजवान लड़का है यार पैंतालीस हजार रुपए का पे आउट है पिछले महीने का लॉकडाउन के अंदर बिना घर से निकले कॉन्ग्रेचुलेशन मजहर जोगिंदर शर्मा एक ऑर्चिड साइन के बहुत सारे बाग है हिमाचल के अंदर मुझे हर साल सेब भेजते हैं अभी तक भेजे नहीं है मैं वेट कर रहा हूँ पेठी का पचास <laughs> हजार रुपए का चेक है अपने बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और ये मंजू एंड अनिल कुमार हस्बैंड वाइफ मिलके करीब करीब अट्ठाईस हजार का पे आउट और इस गुड़िया का पे आउट कॉलेज स्टूडेंट है पिछले महीने का चेक तीन सौ रुपए का था इस महीने का चेक चौदह हजार रुपए का है ये मैं टेस्टिमोनियल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैंने आपको बातें एक घंटा पहले बताई वो सब प्रैक्टिकली फ्लोर पे पॉसिबल है दो से अठारह का पे आउट जो जंप आप देख रहे हैं ये अचीवमेंट्स है सब लोगों की मेरे पास दिखाने के लिए बहुत समय है लेकिन बहुत कम लोगों का दिखाया है ताकि टाइम मेरे पास जितना है मैं उसमें समअप कर सकू और ये हमारा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है जिसको हम बोलते हैं मंथन एक्सक्लूसिव वर्कशॉप होता है जहां मैं तीन दिन के लिए लोगों को अपने लेके जाता हूं जहां मैं तीन दिन के लिए लोगों को सिखाता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है कैसे आपको पेशेंस के साथ छह महीना एक साल गुजारना है उसके बाद स्काई इज द लिमिट कुछ नहीं सिखा रहा सिर्फ पेशेंस सिखा रहा हूँ वेट फॉर सिक्स मंथ वेट फॉर वन ईयर वेट फॉर टू ईयर आप अपने आप में एक नया आप को पाते हैं यहाँ दो साल के बाद पैसा एक अलग बात है लेकिन जो सीखते हैं आप जो एजुकेशन आपकी होती है जो पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है वो अपने आप में नेट मार्केटिंग में जो हो सकती है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती और मैं फिर कह रहा हूं आपको आप नेटवर्क मार्केटिंग में तीन साल जरूर आइए पैसा ना आए तो भी आइए हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर तीन साल आपने गुजारे तो मैं कहता हूं बीस साल की ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर तरह का आदमी आपको मिलता है पूरा बाजार खुल जाता है पूरा देश खुल जाता है पूरी दुनिया के लोग आपसे बात करने लग जाते हैं ये हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप होता है सोलह फरवरी की फोटोग्राफ के साथ मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ जो सी ऑडिटोरियम की है जहाँ हमने करीब करीब तीन हजार लोगों का पहला प्रोग्राम किया मेरे बिजनेस स्टार्ट करने के चार या पांच महीने के बाद तो पांच महीने के बाद हमने तीन हजार लोगों का एक की और हमारे साथ में दीपक सूद, और हजार की के मालिक और बहुत कुछ बदल दिया आज इनकी बदौलत है ये बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था हमने तीन हजार लोगों का जहां पर चेक बांटे गए थे और उसी रात 1900 लोग थाईलैंड गए थे मुझे याद है 16 फरवरी को हम थाईलैंड थे और मार्च में लॉकडाउन हो गया तो ये हमारा लास्ट जर्नी था मतलब वैसे लास्ट था जाएंगे फिर दोबारा खुलेगा तो तैयार सबको चेक बांटे गए थे सबके टेस्ट थे अलग ही माहौल था इस तरह के प्रोग्राम हम लोग रेगुलर करते हैं प्रोफेशनल लोग आते हैं डॉक्टर्स इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर सभी लॉबी इसके अंदर बैठी है समझ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझ रहे हैं उस बिजनेस को समझ रहे हैं जो करीब करीब 200 बिलियन डॉलर का है ग्लोबली उस बिजनेस को समझ रहे हैं जो करीब करीब 100 साल पुराना है उस बिजनेस को समझ रहे हैं जिसमें टॉप की कंपनी एक एक लाख करोड़ का बिजनेस करती है हर साल हम तीसवें पायदान पे हैं और एम कर रहे हैं टॉप टेन में जाने का अगले पांच साल के अंदर आप सब साथ में रहिए और देखिएगा हमको टॉप में मजा आएगा मिलके टीम सोनू शर्मा मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ नाम मेरा है काम आप ही लोगों का है और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आइए मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं जिसने आपको लिंक दिया है तुरंत ये सेशन खत्म होने के बाद उससे बात करिए एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने की गलती मत करिएगा सर मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूँ वार्न कर रहा हूँ हो सकता है पांच दिन के बाद आपका दोस्त आपका रिश्तेदार आपका पड़ोसी फिर आपको आपको इनवाइट इनवाइट कर जाए लगेगा ओहो अगर मैं मैं पहले आया होता तो मैं इसको करता ऐसा बहुत होता है है हमारे साथ लॉस कुछ नहीं है, संभावनाएं है बहुत ज्यादा है और कोविड नाइनटीन के अंदर भगवान हमको एक बहुत बड़ा रास्ता दिखा रहे हैं वेस्ट चीज में आके पैसा कमाने का यहाँ पर आंख से देख जो नहीं देख सकते वो पैसा कमा रहे हैं दोस्त यहाँ पर वो लोग पैसा कमा रहे हैं जो सुन बोल नहीं सकते यहाँ पर लेडीज डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो महिलाएं जो मेरी माँ बहनाएं मुझे आज सुन रही हैं तो 40 40 लाख रुपए कमाने वाली दीपाल पात्रा वाला जो मुंबई रहती हैं मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ वो आज चालीस लाख रुपए पर मंथ के पे आउट है गुजरात के एक छोटे से शहर से निकल के आज वो जुहू जैसे पौश एरिया में रह रही है चालीस लाख रुपए महीना कमा रही है बहुत सारे लीडर्स को मैं देख रहा हूँ जिनकी अर्निंग पचास लाख साठ लाख सत्तर लाख अस्सी अस्सी लाख रुपए की इनकम लोग यहाँ महीने की कमा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको बताना चाहता हूँ आइए इस मुहिम का हिस्सा बनिए इस पागलपन का हिस्सा बनिए और कुछ बड़ा अपने परिवार के लिए करिए मेरी कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो दोबारा उस व्यक्ति को कॉल करिए जिसने आपको ये लिंक भेजा है बात करिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मैं अपनी पूरी ताकत और एनर्जी के साथ प्रयास किया आपको एक नया रास्ता इस पेंडेमिक में दिखा सकूं चलना ना चलना आपके ऊपर है मेरी शुभकामनाएं हैं विश ऑल द वेरी बेस्ट यू थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद और अपने सेहत का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए हेल्थ प्रोडक्ट्स खाते रहिए शुक्रिया थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल